Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और हमारे इन भारत रत्न ने ये बात बिल्कुल सही प्रूव करके दिखाई। चाहे 17 साल की उम्र में बीएससी करना हो या 60 के बाद हर साल लगभग 40 रिसर्च पेपर लिखना, ये है कहानी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट प्रोफेसर सीएनआर राव की। आइए देखते हैं। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें हम सीएनआर राव के नाम से जानते हैं, उनकी प्रतिभा और डेडिकेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 साल की उम्र में ही उनका दाखिला सीधे मिडिल स्कूल में हो गया। क्लास में सबसे कम उम्र के स्टूडेंट होने के बावजूद वो अपने क्लास के साथी बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया करते थे। फिर महज 10 साल की उम्र में उन्होंने 8th क्लास फर्स्ट रैंक से पास की, और हाई स्कूल से उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसी दौरान स्कूल में नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर सीवी रमन का आना हुआ। उनसे मिलकर वो बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी अपनी लाइफ साइंस को डेडिकेट करेंगे। 17 साल की उम्र में मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की और बीएचयू से एमएससी करते वक्त उन्होंने महान साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर लाइनस पॉलिंग की बुक नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड पढ़ी। ये किताब उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी। ये किताब पढ़कर उनकी मटेरियल साइंस में गहरी दिलचस्पी हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ इसी तरह का काम करना चाहिए। अपने ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से प्रोफेसर राव को काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर मिला, मगर उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को चुना। वहां नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर एच सी ब्राउन के मार्गदर्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिसर्च की, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने में काम आती है। वहां से भी सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। डॉक्टरेट करने के बाद वो अगर चाहते तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जॉब कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने देश की उन्नति के लिए कुछ करने का जज्बा भी था। यही कारण था कि वो भारत वापस आ गए। 1959 में सीएनआर राव ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एज अ लेक्चरर की। आईआईएससी में उस वक्त अमेरिका की तुलना में बहुत कम फैसिलिटीज होने के बावजूद प्रोफेसर राव सिचुएशन से भागे नहीं, बल्कि उसे बदलना शुरू किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी पर उनकी पहली बुक पे काम करते वक्त प्रोफेसर सीवी रमन ने भी उन्हें गाइड किया और अपनी लैब इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इसके बाद 1963 में उन्होंने आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट संभाला, वो भी 29 साल के एचओडी के रूप में। यहीं से उनकी रिसर्च जर्नी शुरू हो चुकी थी। फिर काफी साल आईआईटी कानपुर में रहने के बाद वो 1976 में एक बार फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से जुड़ गए। अगले 10 साल वो इस डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। वहां पर सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट स्थापित करने का श्रेय प्रोफेसर राव को ही जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि 60 साल की उम्र तक लोगों में काम के प्रति उत्साह कम हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर राव तो 60 की उम्र के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए और एक के बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने लगे। सन 2000 के बाद हर साल उन्होंने लगभग 40 पेपर लिखे। अपने करियर में वो लगभग 1500 रिसर्च पेपर लिख चुके हैं और 45 साइंटिफिक बुक्स भी लिखी हैं, जो उनके एक ग्रेट साइंटिस्ट होने की निशानी है। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रोफेसर राव क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर भी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि ये एनर्जी का एकमात्र सोर्स बने। और इसलिए 2021 में उन्हें रोम में
एनी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। इस प्रेस्टीजियस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं और इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल प्राइज माना जाता है। साइंस की फील्ड में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी इस बात पर हर किसी को अमल करना चाहिए कि शिक्षा को कभी मत रोको, ज्ञान पाने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।